किसान भाइयों, आज हम आपको फार्म ट्रैक 45 और आईसर 485 दो ट्रैक्टर दिखाएंगे वीडियो में बिक्री के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम फार्म ट्रैक 45 की। फुल ओरिजिनल कंडीशन ट्रैक्टर है और बहुत ही कम रेट में। कंडीशन आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ, जितना भी पेंट है सब ट्रैक्टर के साथ का है, कहीं आपको कोई डेंट पेंट या टचिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। और दोस्तों, ये सीधा एक्सल वाला है, जो ऐसे एक्सल में आगे थे। मॉडल की बात करेंगे तो 2000 मॉडल है जी, 2000 मॉडल है, डीसीएम के इंजन में आया था ये, बहुत ही जानदार चीज़ है। और डीसीएम का इसका गियर बक्सा, स्टीयरिंग ठीक है रूपा, आपको एक भी नहीं लगाना। सीट, गियर बक्सा, इंजन इसके सारे जो है बढ़िया वाले हैं, और लिफ्ट भी इसकी ओके है। अगले वाले टायर दोस्तों हमारे के हैं, पिछले वाले अपोलो के हैं। हाँ जी, स्टार्टिंग देखो, देखो डीसीएम के हिस्से में आया, अब वो चीज ये चीज आ नहीं रही। कंपनी वाले जो हैं दोस्तों कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, ये चीज आ नहीं रही। लेकिन ये चीज जो है, जो पहला आती थी, बहुत ही जानदार ट्रैक्टर आया है फार्म ट्रैक 45। स्टार्टिंग दिखवाऊंगा आपको, वीडियो पे बने रहे। मैं नंबर इंजन इसकी बहुत जोर की आवाज़ निकाल रहा है, कड़क आवाज़ है बेहतरीन वाली, और धुआं नहीं है बिल्कुल भी। मीटर चल रहे हैं, दोस्तों मीटर सब चल रहे हैं, ओरिजिनल कंडीशन पे है। जो भी भाई फार्म ट्रैक 45 चाह रहे हैं कम रेंज का, उनके लिए अच्छा ट्रैक्टर रहेगा। 1,30,000 जी, 1,30,000 रुपये के लिए कह रहे हैं मात्र। दोस्तों इसमें जो है झिकझिक बाजी कोई नहीं होगी, अपने काम में चल रहा है इनके, कहीं से इसमें आपको कोई भी रूपा लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं से लीकेज नहीं है, पूरा का पूरा बढ़िया ओरिजिनल कंडीशन पे है। और मरगाड़ वगैरह जो है सब फ्रेश है। ये ट्रैक्टर आपको जो है भामनपुर गांव में देखने के लिए मिलेगा, मेरठ किला रोड पे, और जिला जो है मेरठ ही लगता है। नाम जी इनका, जफर अली जो है ट्रैक्टर के ओनर हैं, जिनके पास में ट्रैक्टर है। और इंटरेस्टेड किसान जो हैं भाई, वही संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में जानकारी देंगे आईसर 485 की, 45 HP की श्रेणी में, बहुत ही बढ़िया जानदार ट्रैक्टर है और किसानों के लिए भी बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। रिकार्डो इंजन, कॉम्बिटोर्क, सुपर ड्राई के नाम से आता आयु, 45 HP की श्रेणी में, और अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से ज़्यादा ही ताकत निकालता। कंडीशन की बात करेंगे, पैंट इसका बढ़िया है, ओरिजिनल है, कहीं से आपको इस पर कोई टचिंग या डेंट पैंट नहीं मिलेगा। और दोस्तों 2011 मॉडल ये ट्रैक्टर है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। टायर की बात करेंगे तो अपोलो कृषक गोल्ड के हैं, इसमें 14/28 के, और अगले वाले जो हैं हमारे के हैं। छतरी लगी हुई है, बम्फर जो कंपनी देती है। नंबर की बात करेंगे तो UP 83 इसका नंबर है, और कैश कार्ड निकला हुआ है, नेट पर भी है। ऑलराउंडर कह सकते हैं इसे दोस्तों, छोटा बड़ा कुछ भी काम हो ये सभी करता है ट्रैक्टर, किसान के काम के लिए बढ़िया ट्रैक्टर है। तो इंडिकेटर लाइट वगैरह सभी ट्रैक्टर के साथ के हैं। और ये बड़ी पिछाड़ी वाला या बड़ी हांडी वाला बोल दो, ये इसकी पिछाड़ है, जो इसका पिछला हिस्सा जो बड़ी हांडी वाला है उसकी लाइफ जो ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा बढ़िया रहता है छोटी पिछाड़ी वाले के मुकाबले। लोकेशन बता रहा हूँ मैं ट्रैक्टर की, ये ट्रैक्टर आपको भावनपुर गांव में रोड से ही रास्ता आया इनके घर के लिए। कौन सी जगह बोली जा जी, ज्ञानपुर वाले रास्ते पे। और जो ट्रैक्टर के ओनर हैं इनका मैं नाम बता रहा हूँ, तुम्हारा और पापा का, तुम्हारे का मोहम्मद फरहान, और तुम्हारे पापा का खुर्शीद आलम, इनके नाम से आप पूछ सकते हैं जो ट्रैक्टर के ओनर हैं। और इनका नंबर भी मैं वीडियो के ऊपर ही लगा दूंगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग दिखवा रहा हूँ, इसका इंजन बहुत ही बढ़िया है रूपा, इस ट्रैक्टर में एक भी नहीं लगाना।
तो एक बार सेल्फ मार दोगे तुम, जो इंटरेस्टेड किसान हो भाई। रुक जाओ, मैं इसका मीटर और दिखा दूँ। स्टेयरिंग ठीक है, हैंड वैंड हर तरह से बढ़िया, वन ईयर ठीक है, बढ़िया। बंद कर दो जी। दोस्तों, लोकेशन मैंने आपको बता दी है और बात इसकी कीमत की करेंगे तो 2,55,000 रुपये किलो कह रहे हैं। 2011 मॉडल है जी, 2011 मॉडल है, और इसमें जो गुंजाइश वाली बात है वो मुख्य पर होगी। आप ट्रैक्टर को देखें, चला कर हर तरह संतुष्टि करें, और उसके बाद में अपनी कीमत की बात कर लें। जो भी इसमें गुंजाइश मान सम्मान वाली कर दी जाएगी, आप हमें और ट्रैक्टर को देखें। जिला मेरठ में पड़ता है, भावनपुर गाँव। लाइक करें भाई, शेयर करें वीडियो। धन्यवाद।